नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान 2023 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का है और हर एक एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का जो पुरस्कार है, रणबीर कपूर ने जीता है ब्रह्मास्त्र के लिए। ठीक है, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र के लिए जीता है। आलिया भट्ट ने गंगूबाई जो है उसके लिए जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लुइस जो है कैफेलेरी नाम है, ये लुइस कैफेलेरी, इनको दोस्तों सम्मानित किया गया है एबेल पुरस्कार से। ठीक है, 2023 से गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार ये है, मैथ के क्षेत्र में गणित। नेक्स्ट बात करेंगे, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये ज्योति अरोड़ा जी ने जीता है। ज्योति अरोड़ा जी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 106 लोगों को दोस्तों जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया मीर जी को। याद रखिएगा, जब पूछे वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 106 याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका आलिया मीर जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये ब्रेंडन आपका फ्रेजर, ये हैं, ये फिल्म है आपका द वेल, ठीक है, इसके लिए इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रियजर जो है आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रियजर जो है आपका आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये जीता है डेविड एलन जो है चीपरफील्ड को। तो यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, डेविड एलन चीपरफील्ड ने जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? ये कार्तिक सुब्रमण्यम जी ने जीता है। कार्तिक सुब्रमण्यम जी ने दोस्तों ये जीता है नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बाल कृष्णन जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2023 बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्टिन बटलर ने जीता है। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2023 बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑस्टिन बटलर ने जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सरस्वती पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को, पुस्तक जो है सूर्यवंशम के लिए 32वां जो है सरस्वती सम्मान है ये, और दोस्तों ये सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो ये दोस्तों हरियाणा पूछा जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स
कलर प्रदान किया दोस्तों। तो ये जो है हरियाणा हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा पुलिस को। नेक्स्ट बात करेंगे 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। 32वें जो है व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है, तो ये जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो आर बानी है, आर बानी गैब्रियल, ठीक है, अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जो है वो एस एल बॉलियत्स्की यानी बेलारूस के अधिवक्ता हैं ये, मेमोरियल रूसी संगठन सेंटर जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेनी जो है संगठन है, यहाँ पर ये इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा 2-3 बार करके याद कर लीजिएगा कि जो है एस एल जो है बॉलियास्की जो लिखा गया, ये नाम थोड़ा सा अलग रहता है, तो बेलारूस के अधिवक्ता है, मेमोरियल दोस्तों ये रूसी का संगठन है, अधिवक्ता को मिला है, रूसी के संगठन को मिला है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेनी संगठन है, इनको मिला है नोबेल का शांति पुरस्कार 2022। ये तीनों याद रखेंगे आप, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि किसको नहीं मिला है, तो उसमें भी आपको आंसर करने के लिए जानना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार 2023 में वेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है नाटू नाटू जो है गाना है, ये आपका ऑस्कर पुरस्कार 2023 में वेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है। तो नाटू नाटू जो है ये गाना है आपका, आरआर 3 बार आरआर है वो फिल्म है आपका। नेक्स्ट बात करेंगे वुल्फ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका डेनियल ड्रकर को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपका ए बी के प्रसाद जी को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है, डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है, क्या जीता है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट बात करें कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के राज्य की झांकी ने दोस्तों पहला पुरस्कार जीता। नेक्स्ट बात करेंगे नाउ यू वृत्त पुरस्कार के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये जो है राखी कपूर जी को सम्मानित किया गया है। नाउ यू वृत्त के लिए दोस्तों जो है पुरस्कार, ये पुस्तक के लिए जो है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 सम्मानित किया गया, किसको, राखी कपूर जी को किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है एंजिला मार्केल जी को दोस्तों सम्मानित किया गया शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सब आपके करेंट के क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।